हेलो हेलो, हाँ हेलो। हेलो, हेलो, जाना क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? कहाँ पे हो? तबीयत खराब है। क्या हुआ? मैसेज आया मुझे तुम्हारी फ्रेंड का कि तुम हॉस्पिटल गए हो। बताओ क्या बस हुआ ऐसे है? तबीयत खराब है। बस ऐसे ही, मतलब हाँ, इतनी तबीयत खराब हो गई कि हॉस्पिटल जाना पड़ गया? वाह, और ऐसे ही तबीयत खराब है? ग्रेट। हाँ, किसको पागल बना रहे हो पेट में बहुत दर्द हो रहा था, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। तुम? अच्छा, पेट में दर्द हो रहा था, क्यों? क्या खा लिया उठ पटांग सा? कुछ नहीं खाया हूँ, पीरियड्स की वजह से हो रहा है। क्या? एक सेकेंड, अभी 10-15 दिन पहले तो होके गया ना, आई गेस। पता नहीं, यही प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता है। महीने में 2 बार भी पीरियड्स होते हैं क्या? मुझे नहीं हाँ पता है मेरे साथ। हाँ, हाँ होते हैं। मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है और मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैं हॉस्पिटल चली गई। तो ये क्यों होता है, इसका रीजन पता है तुमको बेटे? मुझे नहीं पता, डॉक्टर ने दवाई दी है। डॉक्टर ने दवाई नहीं दी होगी, डॉक्टर ने तुमको बोला होगा कि चुपचाप से स्ट्रेस कम लो। बोला नहीं बोला? स्ट्रेस कम लो, ये बोला होगा डॉक्टर ने, ऑफ कोर्स, है ना? नहीं, डॉक्टर ने ये कहा कि डरो मत, मतलब ज्यादा मत सोचो, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। तो आपने कहा स्ट्रेस कम लो, मैंने सुना दिया ड्रग्स कम लो, मैंने कहा पागल हो गए हो। ड्रग्स हाँ, लिटरली मुझे यही सुनाई थी, मैंने कहा मैं फिर हेलो। कुछ नहीं आ रहा, सच में बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में। मैं गंदी लाइफ होती है ना लड़कियों की, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब नॉर्मल है, और ये सब आप होता है ना। सोच भी नहीं सकते नहीं, यार। देखो नॉर्मल पता, आप है। बोलने वाले तो बोल देते हैं कि नॉर्मल है, वो पता लगता है ना जिनको, पेट नॉर्मल जो तुम्हारे साथ हो रहा है कमा वो लेते नहीं हैं है, सब कुछ। सुनो। नॉर्मल वो नहीं है जो तुम्हारे साथ हो रहा है, नॉर्मल वो है जो 21 से 31 दिन के बीच में जो आता है ना साइकिल, 21 डेज या 25 डेज के बाद की पर मंथली, वो वाली नॉर्मल होती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तुम लड़कियों की लापरवाही की वजह से होता है, जैसे कि ढंग का खाना नहीं है, ढंग से सोना नहीं है, ढंग से डाइट नहीं रखना है, कुछ भी खाना है ऊट पटांग से। और मोमोज तो भाई तुम्हारे फेवरेट है, वाह क्या अब ही ये बताऊं मैं। क्यों कह रहे हो, मोमोज की वजह से हुआ ये? अच्छा, यार ऑफ कोर्स ऑयली फूड खाते हो, तले हुए खाते हो तुम, मैदा भरा पड़ा होता है उसमें, और क्या है ना। वो अकेले फूड को तो पहले टारगेट नहीं कर क्या रहा हूँ था, मैं बहुत सारे फूड्स को टारगेट कर रहा हूँ, लाइक तुम्हारा पिज्जा बर्गर ये, मतलब जिसकी वजह से ना तुम तुम लोग की बात एजिंग भी फास्ट सुनो। हो रही है। लेकिन तुमको अक्ल नहीं है, तुम्हारी उम्र तो बढ़ेगी जिस हिसाब से बढ़ना है, लेकिन तुम्हारी फिजिकल उम्र बॉडी बढ़ती है ना, क्या? उम्र तो बढ़ेगी ना, मैं कुछ तो ना हाँ कहा कि हाँ उम्र लेकिन बढ़ेगी। लेकिन एजिंग, फास्ट एजिंग होने लग जाती है ना, प्री एजिंग जिसे बोलते हैं। लाइक हम होते हैं 16 साल के, दिखते हैं 28 साल के, तो मैं समझे? अपनी उम्र से 5 साल छोटी दिखती हूँ। हाँ तभी तो वो खाती भी, हूँ मैं मोमोज, हाँ तो तभी खाओ तभी नहीं खाती और हूँ। खाओ, तुमको 28 का 28 होना है ना, आई मीन सॉरी। अच्छा सुनाओ, हाँ मेरी बोलो। बात सुनाओ, ये पक्का कोई बीमारी नहीं है ना, कुछ गलत नहीं है, नॉर्मल है ना? कुछ ये नॉर्मल है, अगर पहली दूसरी बार हुआ है ठीक है, बार बार हो तो डॉक्टर दवाई देगा, है ना? फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ। हाँ ठीक है, तो स्ट्रेस कम लो। किस चीज का स्ट्रेस है तुमको इतना? पढ़ाई का, मेरा, घर वालों का, फैमिली, किसका किसका स्ट्रेस है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अब से ना मैं हो रहा हूँ स्ट्रिक्ट, ठीक है? अब बहुत होगी तुमको फ्रीडम कि भाई तुमको जो खाना है खा लो, तुमको जो करना है कर लो, जहां जाना है जाओ। मैं ऐसे ही था ना, बस बता दो, अब रहेगा तुमको खाने पीने की फ्रीडम, छीन रहा हूँ मैं तुमसे, ठीक है? बाकी तुमको जो करना है वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन अब खाना बना तो मेरे हिसाब से खाओगे, क्योंकि तुमको तो तुम्हारी कदर है नहीं, तुमको तो तुम्हारी परवाह है नहीं। कमी नहीं करा ली अपनी तबीयत खराब, मेरे को ना खुद गुस्सा आ रहा है तुम पे।
रोना नहीं अब, हेलो। कभी कभी बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तो रोना नहीं है, रोने से क्या हो जाएगा, मूड स्विंग्स हो रहा है क्या पागल? चुपचाप से चाय पियो गरम गरम अदरक वाली, ठीक है, पेन कम होगा उससे। और हनी खाया करो रात को सोने से पहले, रात को नींद भी अच्छी आएगी तुम्हें और तुम्हारा जो दर्द है वो भी कम हो जाएगा उससे। डेली 2 स्कूप, 2 स्कूप बोल रहा हूँ, 2 स्पून हनी सोने से पहले, या फिर 1 स्पून, ठीक है? ठीक है, कुछ भी कह दो आप, कुछ भी प्राइस दे दो ना, बस ये चीज ऐसी चीज है जो कभी बंद नहीं हो सकती, वो के ही रहेगी। ठीक है, तो अरे मेरी जानी फिर बंद हो कोई जाती फायदा है, नहीं मेरे फास्ट फूड। हाँ ये सारी चीजें बंद हो जाती है अगर तुम ढंग से रहो, ज्यादा पानी पीना एंड ऑल दैट। तुमको कितनी बार समझाया बंद हो जाती है। हाँ क्या पीरियड्स वाली चीजें? मतलब हाँ नहीं, वो तो एज होने के बाद बंद हो जाती है ना, मोनोपॉज, तब की बात नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये इरेगुलर सा, ये बंद हो जाता है, समझे? समझ गई। तो अब क्या करना है तुम्हें? मुझे क्या करना है, मैंने यही सोचा है ये चीजें बंद तो होने नहीं वाली, जो होता है वो तो होता ही है, ये तो नेचुरल सी हाँ बात है कि हाँ नेचुरल बात है, वेरी मेरे गुड। मेरा फास्ट फूड मतलब बंद करने से क्या ही हो जाएगा, है ना। हाँ, फास्ट फूड बंद करने से कुछ होगा नहीं, 2 के बदले 3 बार आएंगे, 4 बार आएंगे महीने में, परफेक्ट है ना? सहो पूरे पागल महीने हो या दर्द। थप्पड़ खाओगे, मैंने कह दिया मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। सी, तुमको अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, देख लो, चुपचाप से ढंग से अपनी कदर करना सीखो। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, आज तक कभी नहीं हुआ, अभी फर्स्ट टाइम है, तो ऐसा नहीं कि अब हर बार मेरे साथ यही होगा। अरे बेटा ऐसा नहीं कभी है कि कभी तबीयत वीक, ने, अरे मेरी जान, कभी कभी वीकनेस की वजह से हो जाता है ये, देखो सबसे मेन कारण है ना बच्चे हार्मोनल थोड़ी है। इम्बैलेंस, ठीक है? हार्मोनल इम्बैलेंस, कम नींद की वजह से, अजीबो गरीब खाने की वजह से, बाद में स्ट्रेस लेने की वजह से, और कभी हाँ कभी ना बॉडी में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं ना वो बैलेंस करने के लिए भी बॉडी कभी कभार जल्दी पीरियड्स ला देती है, तो वो तो बहुत नॉर्मली होता है, बहुत मतलब रेयरली हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये ज्यादातर क्यों होता है? जस्ट एंड जस्ट ये जो 4-5 रीजन बताए इसकी वजह से। तो ये सारी चीजें ठीक कर लो, अपने आप तुम्हारी ये चीज ठीक हो जाएगी, समझे? अब रात को जो तुम मेरे से घंटों घंटों बातें करते हो वो बंद, स्ट्रिक्टली बंद, ठीक है? ऐसा ऐसा कहाँ पे लिखा था कि बात करने से भी ऐसा होता है? तो रात में जागने से ऐसा होता है ना, जाना आपको पता है ऐसे टाइम पे नींद नहीं आती, नींद मतलब कि ऐसा गंदा सा फील होता है, इरिटेशन सी मैं होती है, तो सुलाऊंगा, जरा मैं सुलाऊंगा प्यार मुझे से। आज आप मुझे ऐसे टाइम पे छोड़ के चले जाओगे, आप मुझसे बात भी नहीं करोगे, ठीक है, लग गया मुझे पता, ठीक मैं टाइम सुलाऊंगा ना को अकेला बच्चा, छोड़ के चले जाओ, टाइम मैं सुलाऊंगा ना दो। तुमको, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? मैं क्यों, है ना, प्यार से प्यारी सी इमेजिन करा के सुला दूंगा, अब सो जाना, ठीक है? और सुबह उठा भी दूंगा करेक्ट 10-11 बजे, सो सुबह जाने दो। उठाना जरूरी नहीं है, मैं खुद उठ सकती हूँ टाइम से। अरे तुम जो 2-2, 3-3 बजे सोते हो ना मेरी वजह से, वो बंद है अब। तुमको सोना है सीधा 10 बजे, ठीक है? 10, 10:30 बजे तक मैं सोने नहीं बिस्तर वाली, पे। मुझे मुझे आदत पड़ गई, क्या मुझे आदत हो गई है 2 बजे सोने की। तोड़ो तो आदत तोड़ो और नई आदत लगाओ, ठीक है? क्यों, आदत किसने लगाई, किसी और ने, है ना, आपने ही लगाई है। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी और तुम भी दोनों सुधर जाते हैं, दोनों एक दूसरे की आदतें ठीक कर लेते हैं ना, इट्स परफेक्ट। तुम्हारी भी तबीयत ठीक रहेगी, मेरी भी तबीयत ठीक रहेगी। वैसे भी कम सोने की वजह से जिम में इफेक्ट तो हो नहीं रहा मेरे, हो रहा है मतलब उतना नहीं हो रहा, तो ज्यादा सोने लग जाऊंगा तुम्हारे साथ साथ, तो ऑफ कोर्स ही बात है दोनों की तबीयत फिट एंड फाइन रहेगी, क्योंकि नींद ही सबसे मेन रीजन है हर चीज का, है ना? तो अच्छे से सोना, ज्यादा पानी पीना, ज्यादा सोचने का नहीं, सोते टाइम मुझसे बात करते करते सो जाने का, फोन चालू रख के और अपनी केयर करने का, ठीक है? ठीक है, ओके okay. चलो आई लव यू बोलो। बोलो बोलो अबे तुम बोलो तो क्यों, आई लव यू, बोला कि तुम नहीं बोल सकते तो क्यों यार? मतलब खुद मैं रिप्लाई करूंगा मैं बीमार हूँ तो मैं कैसे बोल सकती हूँ। ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है?
अच्छा तो सुनो, हेलो, हाँ हेलो बेटो, और कुछ जानेबल? मुझे नहीं कुछ नहीं। ठीक ठीक है, चलो अब सो जाओ, ठीक है? है, आई लव यू, आई मिस यू, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, गुड गुड नाइट जाना, नाइट। टाटा। हम्म।